हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि अगर आप 5 kg या 2.5 kg सिलेंडर का यूज़ करते हैं और उसे जलाने पर चूल्हे के नीचे यानी बर्नर में आग लग जाती है तो आप इसे कैसे ठीक करेंगे और इसके क्या कारण हैं। चूल्हे के नीचे आग लगने के कुछ कारण होते हैं जो कि मैं आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो मैं अब आपको दिखाता हूँ कि यह प्रॉब्लम कहाँ से आती है। अगर चूल्हे जलाने पर आग हमारा इस बर्नर की पाइप में लग जाता है तो आप इसे कैसे ठीक करेंगे, यही चीज़ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अब मैं आपको एक बर्नर के ज़रिए समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि हमारे पास यह एक बर्नर है जो कि यह एक पतला चदरा यानी टीन का बना होता है। पुराना होने पर या इसमें रस्ट यानी जंग लगता है और जंग लगने के कारण या इसके अंदर से पपड़ी की तरह उखड़ता है और इसके पाइप को जाम कर देता है, या मकड़ी के जाला लगाने के कारण भी इसके पाइप को जाम कर देता है। होता यह है कि जब हम चूल्हे को जलाते हैं तो हमारा पाइप जाम होने के कारण गैस हमारा ऊपर से नहीं आकर गैस हमारा नीचे की ओर चला जाता है। तो चूल्हे जलाने पर हमारा आग बर्नर के ऊपर नहीं लगकर हमारे इस बर्नर के पाइप में लग जाता है, जिसके कारण से यह आग नीचे की ओर पकड़ लेता है। बर्नर को अच्छी तरह से साफ कर दें तो यह प्रॉब्लम समाप्त हो जाएगी। दूसरा कारण हमारा यह रेगुलेटर है। अगर आप इस तरह का गोल चूल्हा यूज करते हैं और आपने रेगुलेटर के ऊपर जो निप्पल लगता है वो आपने नहीं लगाया है, जैसा कि मैं आपको दिखाता हूँ, यह निप्पल है जो कि रेगुलेटर के ऊपर में लगता है। अगर आपने नहीं लगाया है, अगर आप चूल्हे को जलाते हैं तो हमारे चूल्हे के नीचे आग लग सकता है, क्योंकि निप्पल लगाने से हमारा यह बहुत लिमिट में गैस निकलता है और निप्पल नहीं लगाइएगा तो बहुत ज़्यादा गैस निकलेगा, जिसके कारण हमारा चूल्हे के नीचे आग लग जाएगा। अगर चूल्हा जलाने पर रेगुलेटर में आग लग जाता है, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, अगर रेगुलेटर के इस हिस्से में अगर आग लग जाता है तो आप इसे कैसे ठीक करेंगे। जैसा कि मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारे पास यह रेगुलेटर है, अगर रेगुलेटर के इस हिस्से में अगर आग लग जाता है या तो अब इसका वाशर चेंज कर दें, जैसे कि मैंने आपको अगले वीडियो में बताया है कि आप रेगुलेटर का वाशर कैसे चेंज करेंगे, और नहीं तो मैं आई बटन पर इसका लिंक दे दूंगा, आप वहां जाकर देख सकते हैं कि रेगुलेटर का वाशर आप कैसे चेंज कर सकते हैं, या नहीं तो आप पूरा रेगुलेटर चेंज कर दें तो आपका ये प्रॉब्लम समाप्त हो जाएगा। तो इस तरह से घर बैठे आसानी से अपने चूल्हे को ठीक कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।